जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये क्वेश्चन भी सबसे इजी है इस एक्सरसाइज के अगर हिसाब से देखें तो। जैसे क्वेश्चन में कहा है, सिरसो 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है बड़ा वाला, यानी हम अगर इसको यहाँ देखें तो एक ये दे रखा है त्रिभुज ABC, ठीक है ABC, ठीक है। एक तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर बोल रहा है कि इस त्रिभुज के बीच जो बिंदु हैं उनके बीच में क्या है, और एक एक बिंदु है, और इस त्रिभुज के अगर हम बिंदुओं को मिला दें तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच का बिंदु निकाल लेंगे D मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है। और उसके बाद फिर निकालेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लास्ट में हम दिखाएंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, यानी जो नया वाला त्रिभुज यानी छोटा वाला त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका हमें क्षेत्रफल दिखाना है किसके अनुपात में, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में। तो यानी जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ऊपर कौन सा त्रिभुज आएगा, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर रहेगा और बड़ा वाला त्रिभुज नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, अनुपात भी बताना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, थर्ड, जो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लेते हैं 0, -1, 0, -1। इसको यहाँ मान लेते हैं कि ए है, ए दे रखा है 0, -1, फिर बी दे रखा है कितना, 2, 1, और सी दिया हुआ है 0, 3। ये चीज़ हमको दे रखी है, और उसके बाद हम लिख लेते हैं इसको ही यहाँ पर, ए 0, -1, बी दे रखा है 2, 1, और सी दे रखा है हमको कितना, 0, 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकालना ही है, चाहे पहले निकालें चाहे बाद में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x1, x2, x3। यहाँ क्या लिखेंगे, y1, y2, y3। x1 का मान देखो, x1, x2, x3 यानी 0, 2, 0, y1, y2, y3 -1, 1, और यहाँ पे 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ वहाँ क्लियरली। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं 1/2। बच्चों आप क्या करोगे, जब भी इसको नोट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला जरूर दिखा देना एक बार। तो 1/2 सबसे पहले क्या, x1 y2 0 क्यों गुणा 1 से कराएंगे 0, प्लस फिर है x2 y3 2 क्यों गुणा 3 से प्लस का 6, फिर है x3 y1 0 क्यों गुणा -1 से 0, फिर माइनस, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, फिर है y1 x2 2 क्यों गुणा -1 से -2, प्लस y2 x3 1 क्यों गुणा 0 से 0, प्लस y3 x1 3 क्यों गुणा 0 से 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे बचा हमारे पास अंदर 6, और देखो माइनस का 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 6 + 2 = 8/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। इसको हम ABC मान लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या कितना आ गया, 4। और क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं वर्ग मात्रक में। ये आ गया बच्चों हमारा क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी एक पार्ट हमने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा काम करेंगे हम, पहले इनके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं माना AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है। तब बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सीधा हम रखेंगे वैल्यू, फॉर्मूला होता है हमारा x1 x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ देखो AB के लिए ले रहे हैं, तो AB में देखो x1 0, x2 2, तो
कैंसिल जाएगा, 0 प्लस 2 बट्टे में आ जाएगा 2, y1 माइनस 1 y2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बट्टे में 2। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 0 प्लस 2 करेंगे 2 बट्टे 2, और यहाँ से आ जाएगा ये -1 + 1 0 बट्टे 2। तो बच्चों जो डी के निर्देशांक आ गए क्या आ गया है, 1, 0। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं बी सी का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख लेंगे बी सी का माना, बी सी का मध्य बिंदु इसको हमने क्या माना है, डी। तो इसको मान लेते हैं ई, मध्य बिंदु ई है। तो ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब क्या ले रहे हैं, बी और सी को ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो 2 प्लस 0, x1 प्लस x2 करते हैं ना, तो 2 प्लस 0 बट्टे 2 कॉमा 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। लिख लेते हैं 1 प्लस 3 बट्टे 2, तो ऐसे 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 0 2 बट्टे में 2 1, और ऐसे ही 3 प्लस 1 4 बट्टे में 2, 4 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से ई के निर्देशांक क्या आ गया, 1, 2। यहाँ लिख लेते हैं ये आ गया 1, 0 और ई आ गया 1, 2। ठीक हो गया। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं कौन सा, ए सी का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख लेंगे माना ए सी के मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु डी ई, इसको ले लेते हैं एफ, बिंदु एफ है। तब एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट क्या है, इजी है। तो एफ बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं x1 प्लस x2 बट्टे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। अब यहाँ से देखो एफ के लिए आ जाएगा, देखो ए और सी ले रहे हैं, तो यहाँ से 0 प्लस 0 बट्टे 2 आ जाएगा कितना, 0। ऐसे ही y1 प्लस y2 करेंगे, -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 बट्टे में 2। तो देखो ये 0 आ गया x वाला, और यहाँ से आ जाएगा 2 बट्टे 2 यानी 1। तो f बराबर आ गया कितना, 0 कॉमा 1। ये बच्चों निकल गए हमारे क्या, त्रिभुज ए बी सी के तीनों मध्य बिंदु। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका त्रिभुज जो दूसरा बन रहा है डी ई एफ, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बार इनके बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं, 1, 0 1, 2 और 0, 1। तो अब हम करेंगे क्या, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। मार्कर का कलर थोड़ा कर देते हैं चेंज, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक हो गया, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सीधा वैल्यू रखते हैं। इनके बिंदु यहाँ बच्चों अलग से लिख रखते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले डी के ले लेते हैं, देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3। यहाँ देख लेते हैं x1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1, मान रखते हैं ब्रैकेट में। सबसे पहले x1 y2, देखो 1 गुणा 2 करेंगे 2 प्लस 1 गुणा 1 1 प्लस, फिर है 0 गुणा 0 0 माइनस, फिर यहाँ रखते हैं देखो y1 x2 0 गुणा 1 0, फिर है y2 x3 2 गुणा 0, यहाँ से देखो आ जाएगा प्लस में 0 प्लस 1 गुणा 1 1। तो यहाँ देखो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 2 प्लस 1 3, इधर माइनस, ये देखो प्लस का है, जब ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा माइनस का 1। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 बट्टे में 2, तो यहाँ से कितना आ गया 1। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1। अब हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है किसके सापेक्ष, इस त्रिभुज का बताना है किसके, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। तो यहाँ से बच्चों इसका लिख सकते हैं क्या, अनुपात बराबर त्रिभुज, अगर हमें बोला होता कि ए बी सी का अनुपात दिखाना है किसके सापेक्ष, डी ई एफ के, तो हम क्या लेते हैं ए बी सी को ऊपर लेते, बट हमें दिखाना है किसके, डी ई एफ को दिखाना है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोनों का क्षेत्रफल। तो डी ई एफ का कितना है बच्चों क्षेत्रफल, 1, बट्टे में जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका कितना आया था, 4। तो अनुपात बच्चों कितना आ गया, 1:4। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।